मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में वित्त के एकमात्र प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल का रीवा में हुआ भव्य स्वागत। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल का मंत्री बनने के बाद पहली बार रीवा आगमन पर हुआ भावहीन स्वागत। हम आपको बता दें, विंध्य में विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर महज 6 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। कमलनाथ प्रदेश के मुखिया बने। इन 6 विधायकों में से तरजीह मिली सीधी के सिहावल सीट से जीतने वाले कमलेश्वर पटेल को। यहाँ इस बात का उल्लेख करना जरूरी है, कमलेश्वर सीधी के दिग्गज नेता इंद्रजीत कुमार के पुत्र हैं। इंद्रजीत जी ने विधानसभा में इसी सीट सिहावल का प्रतिनिधित्व किया था और कई बार मंत्री भी बने थे, जिनका विधानसभा चुनाव के दौरान ही निधन हो गया था। 25,000 से ज्यादा मतों से जीतने वाले कमलेश्वर से विंध्य को बहुत उम्मीद है। अब देखना दिलचस्प होगा वो अपनी नई पारी किस तरह से खेलते हैं, वह भी जब तब विंध्य से नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल व विधानसभा उपाध्यक्ष रहे राजेंद्र सिंह चुरहट व अमरपाटन से चुनाव हार गए। आइए सुनते हैं रीवा दर्शन के द्वारा पूछे गए सवालों पर कमलेश्वर पटेल ने क्या कहा। बड़ी कार्य योजना तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने पहले ही जो वचन पत्र जारी किया था चुनाव के पहले, वो वचन पत्र का क्रियान्वयन कराना वो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हम समझते हैं कि हमारी सरकार, हमारे मुखिया पूरी तरह से उसके लिए कृतसंकल्पित हैं और पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य वचन पत्र को लागू कराने के लिए संकल्पित है। अगर वचन पत्र का अगर आप एक एक बिंदुओं का अध्ययन करेंगे तो हम समझते हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे किसानों की समस्या हो, एक एक बातों का उसमें उल्लेख है और हम लोग एक एक करके सभी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करेंगे। ये बात सच है कि मध्य प्रदेश की जो 15 साल की पिछली सरकार थी, मध्य प्रदेश को खोखला करके अर्थतंत्र पूरी तरह से खराब करके गए, तो हमारे सामने चुनौती है, पर हमारे नेता सक्षम हैं, कुछ न कुछ रास्ता निकाल के पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम सब मितव्ययिता करें, हम शासकीय धन का दुरुपयोग नहीं करें। जैसा कि आप देख रहे होंगे, कर्ज माफी जैसा इतना बड़ा घोषणा करने के बाद कहीं भी विज्ञापन आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये जो पिछली सरकार थी इसने भ्रष्टाचार बहुत किया और आपके एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापनों में, होर्डिंग्स में करोड़ों रुपए आम जनता की कमाई का चौपट कर दिया। ये हम समझते हैं कि ये हमारे लिए, हमारे प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया है। विंध्य में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह हार गए, निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव है, इनकी इसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? देखिए, ये सारी जो हार जीत, ये हम समझते हैं कि ये एक कोई नई बात नहीं है। हमारी श्री नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी किसी ज़माने में हारी थी, आदरणीय दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी भी चुनाव हारे थे, फिर जीते भी थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने। तो हारना जीतना एक ये जनता का निर्णय है, हो सकता है कोई कमी रह गई हो, पर हमारे नेता जो भी हैं, जो भी अगर चुनाव हारे हैं तो आगे चल के फिर चुनाव होंगे और जीतेंगे। और हम समझते हैं कि आने वाला समय जिस तरह बदलाव का था, उसी तरह लोकसभा में भी बदलाव नजर आएगा। कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी बनेगी और हम सब लोग मिलके काम करेंगे और कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे। जो लोग हम लोगों से दूर हो गए थे उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि जो भी किया है आज तक का हमें इतिहास है, हमारी सरकार ने ही गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, नौकरियों में भर्ती जो किया कांग्रेस सरकार ने किया, इस सरकार ने सिर्फ प्रलोभन दिया, चाहे वो केंद्र की सरकार मोदी जी की रही हो और चाहे शिवराज सिंह की चौहान की सरकार रही हो, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किए हैं, भर्ती घोटाला किए हैं, व्यापम जैसा घोटाला हुआ, 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात किए थे, 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात किए थे, अच्छे दिन के नारे दिए थे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, छला गया देश की जनता, देश के नौजवान छले गए। तो अब सबको समझ में आ गया है कौन अच्छा है और कौन बुरा है। थैंक यू।